हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सैमसंग फ्रंटलोड वॉशिंग मशीन का डेमो। इसमें कपड़े कैसे धोते, कैसे सुखाते, इसकी क्लीनिंग कैसे करें और इसकी कंट्रोल पैनल की सारी जानकारी। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डोर ओपन करके यहाँ कपड़े ऐड करना है। कपड़ों की कैपेसिटी होती है एक कपड़ा से 12 कपड़े तक गिन के आप डाल सकते हो, छोटे बड़े सब मिला के। यहाँ आपको पाउडर डालना है सफ़ेद वाले बॉक्स में। यहाँ खुशबू के लिए लिक्विड डालना है जो कंफर्ट वगैरह होते हैं, और यहाँ पर ब्लीच यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ऐसे लिक्विड जो कपड़े धोने के पहले आपको यूज़ करना हो, जिसको प्री वॉश कहा जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ से पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद में आपको ये साइकिल दिए हुए सारे कपड़ों के नाम दिए हुए, तो आप ये वाले बटन से लाइट सेट कर सकते हो जो भी आपको कपड़े धोने हो। जैसे यहाँ डेली वॉश लिखा हुआ है, हमने डेली वॉश पे सेट किया हुआ है अभी, और उसके लिए 64 मिनट्स ऐड हो गए। ये टेम्परेचर का बटन है, मतलब पानी आपको गर्म करना है या ठंडा रखना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सारे लाइट बंद कर देने पर पानी ठंडा हो जाता है और लाइट चालू रखने पर पानी गर्म हो जाता है। इसी बटन से आप जैसे भी 20 डिग्री है, 40 डिग्री है और 60 डिग्री, तो यहाँ से आप पानी कम ज़्यादा गर्म कर सकते हो। इसके बगल में स्पिन वाला बटन है। स्पिन मतलब कपड़े सुखाने का बटन, और इसके आरपीएम दिया हुआ है। आरपीएम मतलब एक मिनट में कितनी बार टब घूमेगा। लेकिन ये आपको नहीं लगाना, ये मशीन खुद ही सेट कर लेती है। ये ऑप्शन वाला बटन है जिसमें सबसे नीचे दिया हुआ है इंटेंसिव वॉश, मतलब कपड़ों पे चाय के दाग लगे हुए या फिर ऐसे कोई दाग जो निकलते नहीं वहाँ पर आप धो सकते हो। प्री वॉश बीच वाला, मतलब मैंने जैसे बताया था आपको ब्लीच वगैरह यूज़ कर सकते हो या फिर धोने के पहले आप प्री वॉश कर सकते हो, उसका लाइट यहाँ पर ऐड हो जाता है अगर आप प्री वॉश ऑप्शन यूज़ करते हो तो। प्री वॉश का मतलब ये धोने के पहले कपड़ों को पानी में खंगाल लेगा, मतलब धूल मिट्टी निकल जाती है। और सबसे ऊपर वाला है रिंस। रिंस मतलब ये वाला जो कपड़े धोने के बाद में फ्रेश पानी में जब खंगालता है, वो आपको एक्स्ट्रा करना हो तो आप यहाँ से लाइट ऐड कर सकते हो। इसी बटन से आप दोनों तीनों फंक्शन एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। डिले एंड मतलब टाइम लगाकर मशीन चालू करना हो। अगर आपको कितने समय बाद मशीन चालू करनी है वो समय आप यहाँ लगा सकते हो। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, टोटल 24 घंटे का इसमें टाइम दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 3 घंटे हमने लगा दिए और स्टार्ट कर देना है, तो 3 घंटे के बाद मशीन पानी लेना शुरू करेगी और कपड़े धोना शुरू करेगी। इसके लास्ट में सब सोक मतलब कोई भी फंक्शन अगर आपको चलाना हो और उसमें कपड़े भिगो कर रखना हो मशीन के अंदर, तो आप सोक दबा सकते हो। उसमें 30 मिनट बढ़ जाते, नॉर्मल 64 मिनट होते हैं। अगर आप सोक ऐड करते हो तो 94 मिनट ऐड हो जाते हैं, मतलब 64 मिनट में 30 मिनट बढ़ जाते हैं कपड़े भिगोने के लिए। तो मशीन खुद ही कपड़ों को भिगो कर रखती है, और इनमें से सारी सेटिंग हो जाने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है, तभी मशीन पानी शुरू करेगी और कपड़े धोना शुरू करेगी। अब कपड़ों की कैटेगरी समझ लेते हैं। कॉटन मतलब चादर वगैरह या बेडशीट वगैरह। सिंथेटिक में आप सिंथेटिक के कपड़े जैसे नायलॉन के कपड़े या साड़ी वगैरह डाल सकते हो। वूल मतलब स्वेटर वगैरह। रिंस पिन मतलब कपड़े बाहर अपने हाथ से धो लिए और मशीन में सिर्फ पानी में से निकाल कर सुखाना हो, मतलब रिंस पिन जैसे कि खंगालना और सुखाना हो। रिंस का मतलब होता है पानी में से निकालना और स्पिन का मतलब होता है सुखाना। ये ओनली स्पिन है, मतलब आपने भारी कपड़े धो लिए और भारी खंगाल लिए और मशीन के अंदर सिर्फ सुखाना हो तो आप ओनली स्पिन यूज कर सकते हो। हाइजीनिक स्टीम। हाइजीनिक स्टीम में स्टीम में कपड़े धुले जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो या फिर कोई हॉस्पिटल कपड़े हो तो आप हाइजीनिक स्टीम यूज़ कर सकते हो। डेनिम मतलब जीन्स वगैरह। डेलिकेट्स मतलब सॉफ्ट कपड़े, जैसे टी शर्ट्स है, साड़ी है और चुन्नी वगैरह, ऐसे सॉफ्ट कपड़े। डेली वॉश मतलब सारे मिक्स कपड़े आप यूज़ में यूज़ कर सकते हो।
डेली वॉश में आप रेगुलर कपड़े भी ऐड कर सकते हो, जैसे पैंट शर्ट वगैरह सारी चीज़ें। 15 क्विक वॉश मतलब 15 मिनट में आपको कपड़े धोना हो, ये सबसे फास्ट होता है। जल्दी धोने के लिए आप 15 मिनट्स क्विक वॉश यूज़ कर सकते हो। उसमें कम से कम कपड़े हो, जैसे एक दो कपड़ा धोना हो तो आप कर सकते हो। ये फिल्टर होता है, जब भी आप टब क्लीन करते हो या फिर महीने में एक बार इसे खोलना होता है आपको। कपड़े धोते समय जो भी गंदगी कपड़ों में से निकलती है, धब्बे वगैरह, वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं, तो इस फिल्टर को आपको क्लीन कर लेना है और इस जगह को भी क्लीन कर लेना होता है टूथब्रश वगैरह लगाकर। फिल्टर को क्लीन करने के बाद फिर से लगा दीजिए। ध्यान रखिए, ये फिल्टर खोलते समय इसमें से थोड़ा सा पानी बाहर आता है। हर महीने में एक बार ये करना होता है आपको। और अगर आपको यहाँ पानी नहीं ढोलना है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा दूसरी नली लगाकर पानी दूसरी जगहों पर भी निकाल सकते हो। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ मशीन के बारे में पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इसी तरह के वीडियो मैं बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी से अच्छी जानकारी मिल पाए। और इस वीडियो में जो भी कुछ कमी रह जाती है तो आप वो भी बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार पाऊँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके एक लाइक के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के और भी डेमो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो मेरे आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।